जबलपुर जिले के एक निजी स्कूल में एक नाबालिग छात्र से हॉस्पिटल के वार्डन द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला शहर के डीपीएस स्कूल का बताया जा रहा है, जहां अध्ययनरत कक्षा 8वीं के छात्र शिवांश साहू ने बताया कि वह देर रात पढ़ाई करने के बाद जाग रहा था, तभी हॉस्टल के वार्डन मुकेश शर्मा बोले कि तुम रात तक क्यों जाग रहे हो, जिस पर छात्र ने कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा था, तो स्कूल वार्डन कहने लगे कि तुम मस्ती करते हो। इसी बात को लेकर छात्र को बेरहमी से पीट दिया गया, साथ ही छात्र को धमकी दी। वहीं इस घटना के बाद छात्र के माता पिता ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने वार्डन के खिलाफ कार्रवाई की, साथ ही छात्र शिवांश को मेडिकल के लिए भेजा गया। जबलपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। हाँ जी, क्या हुआ था कल जो मारपीट हुई है? बुरी तरीके से मारा मेरे को, हाथ दोनों मेरे हाथ मोड़ लिए थे, मेरे कान तो इतना मुँह ही मुँह पे मारा है, कान मेरा सोने पड़ा हुआ है 2-3 दिन से। परसों रात को 11:30 बजे मारे हैं, और वो इसलिए कि मैंने थोड़ा सा दोस्तों से अपनी शैतानी करी थी, और फिर डॉक्टर के पास उनके साथ कल गए, डॉक्टर के पास गए, जो वो बताते कि तुमको अभी कान के पर्दे तुम्हारे पूरे लाल है, तो ऐसे ही सुन पड़ता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवांश साहू। कौन से स्कूल में है? दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्लास कौन सी? क्लास 8। फिर आपने शिकायत कहाँ करी? मैं शिकायत करने के लिए जा ही नहीं पाया, कल मेरे को परसों रात को 11:30 बजे मारे, और जब मैं सुबह जाना चाहता था मैम मैम के पास, स्कूल प्रिंसिपल मैडम से आपने नहीं, मुझे गेट से निकलने नहीं आता, इस गेट पे ताला लग जाता। अरे कुमार साहू है, मैं रीवा से हूँ। मैंने पिछले साल अपने बेटे को यहाँ हॉस्टल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल की हॉस्टल है क्रिकेट सोसाइटी, इसमें एडमिशन दिलाया कि यहीं रहेगा, यहीं पढ़ेगा। ये कल रात में अपनी मम्मी को फ़ोन लगा के बोला कि मेरे साथ परसों रात में 23 तारीख को 11:30 बजे उस तोते से उठा के हमको मारे हैं, और ये पीठ अपनी फ़ोटो भेजा और कान के पास की फ़ोटो भेजा, तो हम लोग चौंक गए। सुबह तुरंत जल्दी से गाड़ी ली और यहाँ अपनी वाइफ के साथ और हमारे लोकल गार्जियन है यहाँ, हमारे जीजाजी और बहन, उनको साथ में लेकर आया कि भाई हुआ क्या है। यहाँ पर मैं कम से कम 2-2.5 घंटे डिस्कस करता रहा, बताने के लिए तैयार नहीं थे, बोले वो हमने कार्रवाई कर दी। ये जो जिसने मारा है वार्डन, उसका नाम क्या? मुकेश शर्मा नाम है, यहाँ वार्डन थे वो। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि चले गए हैं, और मैं ये कह रहा था कि मेरे बच्चे की गलती क्या है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 11:30 बजे रात मारना पड़ा, सुबह आप बात कर लेते, इसके पहले इसका हाथ टूटा, कोई सूचना नहीं दी हमको। ये नियम में नहीं है कि इतनी बड़ी पब्लिक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक है, एक नियम होता है कि इतने बजे इस बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है। एक साथ बच्चे अंदर रहते हैं हाल के अंदर, अब वो सोए नहीं सोए, क्या किया, अपने को ज़्यादा आइडिया नहीं। मैं तो इसलिए आया था, और फिर मैंने कहा कि ठीक है, हुआ जो हुआ, मैं अपने बच्चे को, आप जो इलाज कराए मैंने दिखाया अभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब को, ये इनका इलाज करने का तरीका, जो 13 साल से नीचे के बच्चों को जो दवा नहीं दी जाती वो डबल दे रहे हैं उसको। अच्छा, और डबल एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एक ही एंटीबायोटिक की जगह डबल एंटीबायोटिक, दो जगह था, और पर्चा भी नहीं दिखा रहा, एक सामान्य कागज पर दो दवा लिखी है, ना तो समझ में आ रहा कुछ। तो मैंने कहा कि ये इलाज इसका नहीं चलेगा, मैं अपने बच्चे का इलाज खुद कराऊंगा, और ये चूंकि डरा हुआ है तो कम से कम मैं 7 दिन 8 दिन अपने घर में रखूंगा, आप मुझे अनुमति दीजिए, क्योंकि सोसाइटी यहाँ से हॉस्टल से ले जाने के लिए एक नियम है, ऐसे नहीं ले जा सकते आप। तो बोले मैंने पास दे दिया, हमने कहा जो पास आपने दिया गेट पास, वो गेट के निकलने के लिए है कि प्रीमाइसेस से बाहर बच्चा गया तो जिम्मेदारी उसकी जो ले गया है, कल आप यहाँ से मेल कर दोगे एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, सभी जगह साथ उठा ले गए बच्चे को अपने, मैं फंस जाऊँगा कि मारपीट बाहर हुई है। तो मैंने कहा इसके साथ मारपीट हुई है, आप तो मैं लिख रहा हूँ कि इसके साथ यहाँ पर गंभीर चोट लगी है, मेरे को इलाज कराना है, बच्चा मेरा डरा हुआ है, मैं अपने घर ले जाऊँगा। ये बोले ऐसे ही ले जाइए, परमिशन नहीं दिया। फिर मैंने रिटर्न में आपको कुछ लिख के दिए? कुछ नहीं दिया। फिर मैंने रिटर्न में इनको एप्लीकेशन बनाया, इनके सभी लोगों के व्हाट्सएप में भेजा, और फिर मैंने पुलिस को फोन किया, तो इंस्पेक्टर साहब अभी आए थे, उन्होंने हमारी हेल्प की, और अब मैं उनकी देख रेख में अपने बच्चों को यहाँ से ले जा रहा हूँ, कि जिससे ये मेरे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जो कि हमारे लिए पेनफुल हो। मुलायजा हुआ है इनका?